हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉस्टैल्जिक स्टोरीज। मेरा नाम सौम्यदेव मंडल, आपका प्रिय नरेटर। आज की कहानी है सत्यजीत राय की लिखी गई बादशाही अंगूठी पार्ट 5। कल आपने पार्ट 4 तो सुना ही रहेगा, अगर नहीं सुने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की कहानी बादशाही अंगूठी पार्ट 5। अगले दिन सुबह पिताजी और धीरू काका दोनों ने ये बताया हमको कि आने वाले दिनों में शायद से हमें और कोई परेशानी नहीं होगी। अंगूठी चोरी का मामला पुलिस के पास सौंप दिया गया है और इंस्पेक्टर गड़गड़ी इसके इंचार्ज है। अगर पुलिस को वो अंगूठी मिल जाती है तो वो बात फेलुदा के लिए ज़्यादा खुशहाल नहीं होगा। इसलिए मैं मन ही मन भगवान से यह प्रार्थना कर रहा था कि फेलुदा ही उस अंगूठी चोर को ढूंढ निकाले और उस काम का पूरा क्रेडिट जैसे फेलुदा को ही मिले। इसीलिए मैं मन ही मन ये प्रार्थना किया कि पुलिस को किसी भी तरह वो अंगूठी चोर नहीं मिलना चाहिए। पिताजी ने हमको ये बताया, आज सोच रहे हो कि तुम लोग को और भी कई जगह पर लेके जाओ। ठीक है, हमने भी ये फिक्स किया कि दोपहर को खाने के बाद ही हम घूमने निकलेंगे और कहाँ जाना है वो फिक्स करेंगे वन बिहारी बाबू। दोपहर के खाने के बाद हम जैसे ही हाथ धोने के लिए उठे तब तक वन बिहारी बाबू मौजूद हो गए। उन्होंने हमको ये बताया, आज सुबह आपके घर पे डकैती हुआ, इसके लिए मैं जल्दी चले आया। अगर आप एक हाउंड पालते तो ये तफलीक आपको और नहीं लेनी पड़ती। ढोंगी साधु बाबा को पकड़ने के लिए एक अच्छा ट्रेंड हाउंड को लगेगा सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। जाने दीजिए चोर भाग जाने के बाद और वो क्रेडिट लेकर क्या फायदा। वन बिहारी बाबू अपने हाथ में एक कागज के टुकड़े में पान लेकर आए थे। उन्होंने कहा, लखनऊ शहर का सबसे बेस्ट पान है ये, ट्राई कीजिए। खुद वाराणस के अलावा कहीं पे भी ये पान नहीं मिलेगा। मैं ये समझ गया था कि अगर वन बिहारी बाबू थोड़ी पल और रुक जाते तो हम बाहर जाएंगे, ये पूरा प्लान कैंसिल ही हो जाता। एक वक्त के लिए वन बिहारी बाबू ने पूछा, आप यहीं पे ठहर रहे हो या घूमने भी निकल रहे हो? मेरे पिताजी ने कहा, जी हाँ, मैं सोच रहा था आज बच्चे को लेकर के घूमने निकलूं। अब तक इमामबाड़ा के अलावा तो हमने और कुछ देखा ही नहीं। अरे तुम लोगों ने अभी तक रेसिडेंसी नहीं देखा? वो जैसे वो सवाल मुझसे ही पूछे थे और मैंने भी अपना सर दोनों साइड घुमाकर नहीं बता दिया। अरे चलो, मेरे जैसा गाइड रेसिडेंसी में और कहीं नहीं मिलेगा। म्यूनिटी के बारे में मेरा बहुत ही थॉरो नॉलेज है। फिर धीरू बाबू के तरफ घूमकर वो कहे, मुझे अभी सिर्फ एक ही चीज जानने की इच्छा हो रही है, वो अंगूठी कहाँ से चोरी हुआ? सिंदूक के अंदर रखे थे क्या? नहीं नहीं, सिंदूक के अंदर नहीं, गोदरेज के अलमारी के अंदर से लेकर गया चोर। वैसे चाबी तो मेरे ही जेब में था, फिर लगता है उसने भी कोई एक डुप्लीकेट चाबी निकाल लिया होगा। स्ट्रेंज। वैसे इस बार हम टांगा राइड नहीं ले पाए, हम सब वन बिहारी बाबू के ही गाड़ी से निकल पड़े। वन बिहारी बाबू और मेरे पिताजी और साथ ही धीरू काका जब इसी अंगूठी चोरी के बारे में बात कर रहे थे तब उन्होंने बोला, लखनऊ में आने के बाद तुम सब एक ऐसे रहस्य के अंदर आ सकते हो, ये तो विश्वास ही नहीं होता होगा ना। अब कैसे सुधारे क्या मालूम, कैसे क्या नहीं, फेलुदा है ना, वो क्या कहते हैं हमारे शौक का डिटेक्टिव है, उसको इस सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। शौक का डिटेक्टिव। वैसे फेलू बाबू, अब तक तुमने कुछ इस रहस्य के बारे में ढूंढ निकाले? कहाँ, अभी तो शुरुआत है। थोड़ी ही देर में फेलुदा ने एक और सवाल पूछा, आपके पेट्स ने आपको आज तक कभी काटा है या फिर उन लोग की वजह से आपको कोई तकलीफ हुई है? नहीं, नेवर। तो आपके राइट हैंड साइड में वो खरोच किस चीज की है?
क्या ये? अच्छा, ये तो बहुत सालों पहले हुआ था। मैं फेंसिंग सीखता था, उसके वजह से ही यहाँ पे ये खरोज आई थी। फेंसिंग मतलब जानते हो? ये सवाल फेलुदा को गया था, लेकिन फेलुदा तो क्या, मुझे भी मालूम है फेंसिंग क्या चीज होती है। रेटियर नाम का एक पतले से तलवार से खेला जाता है ये फेंसिंग। रेसिडेंसी में उतरने के बाद सच में बहुत ही चौंका देने वाली जगह है। हर जगह सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, और पुराने जमाने के म्यूनिटी नाम से दो तीन घर भी उधर है। और सच बोलूं, मैंने उधर और भी कुछ देखा। उधर के हर पेड़ में इतने बंदर मैंने अपने जिंदगी में तो कभी नहीं देखा था। लखनऊ शहर के बंदरों के बारे में मैंने पहले भी सुना था, लेकिन अपने आंखों से ये पहली बार देख रहा हूं। वहां पर कुछ बच्चे जमीन से पत्थर उठाकर उन बंदरों की तरफ फेंक रहे थे। वन बिहारी बाबू जैसे ही देखे वो दौड़ कर गए। निकलो इधर से, निकलो! तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ये सिखाया है क्या? निकलो! ये कहकर वो बच्चे वहां से भाग निकले। वन बिहारी बाबू कहने लगे, प्राणियों के ऊपर ऐसा अत्याचार, छह, ये मुझसे सहन नहीं होता। वहां बाहर के गांव देखो, सब लोग एक से एक जानवर को कितने संभाल के रखते हैं, कितने प्यार से रखते हैं। और अकेला हमारा ही देश है जहां पे इस चीज का नामो निशान गायब है। अंग्रेज के जमाने में हुए हर एक तांडव के बारे में मैंने पहले से ही पढ़ा था, लेकिन ऐसा चीज मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। रेसिडेंसी लेकिन गोलियों से छल्ली कर दी गई थी। हम उन्हीं में से एक बड़े घर के अंदर घुसे। हम घर को घूम घूम कर देख रहे थे, और वन बिहारी बाबू हमको उसके इतिहास के बारे में बता रहे थे। सिपाहियों के म्यूटिनी के वक्त लखनऊ में तभी सिर्फ और सिर्फ नवाबों का राज चलता था। ब्रिटिश लोगों ने अपने सारे सैनिकों को इन्हीं घर में रखा करते थे। सर हेनरी लॉरेंस थे इनके सेनापति। इन्हीं दंगों के बीच जब सब शुरुआत हुआ, तब जितने भी लखनऊ में रहने वाले साहेब और मेन साहेब थे, सबको एक अस्पताल के अंदर छुपा के रखना पड़ता था। कुछ दिन बहुत लड़ाई किए थे सर हेनरी, लेकिन लास्ट में वो और नहीं कर पाए। सिपाही के गोली से ही उनका मौत हुआ। और फिर इन ब्रिटिशर्स का क्या हाल हुआ, तुम तो ये घर देखकर समझ ही सकते हो। अगर आखिरी बार तक सर कॉनिंगहैम बेल इधर नहीं मौजूद होते, तो फिर जितने सिपाही बचे थे वो भी जिंदा नहीं रहते। इधर आओ, इधर आओ। ये घर था बिलियर्ड्स खेलने के लिए। दीवार में गोलियों से क्या हालत हुआ है वो देखो। पिताजी और धीरू काका दोनों ने पहले भी रेसिडेंसी देखे हैं, उसीलिए वो लोग बाहर के फील्ड में टहल रहे थे। हम दोनों यानी कि मैं और फेलुदा पूरे रूम को घूर घूर कर देख रहे थे, और वन बिहारी बाबू के बातें सुन रहे थे। तब अचानक उनके ही एक छोटे से छेद के अंदर कुछ तो उड़कर आया, और फेलुदा के कान को एकदम खिसक कर जमीन में गिर गया। वन बिहारी बाबू एक झटके में फेलुदा को अपने तरफ खींच लिए। तब उधर से वापस और एक पत्थर आकर दीवार पे लगकर नीचे गिर गया। वन बिहारी बाबू इस उम्र में भी कितने तंदुरुस्त है वो उनके हरकतों से ही पता चल रहे थे। वो एक छलांग में ही रेसिडेंसी से उस घर के बाहर घास के ऊपर जा गिरे, और फेलुदा और मैं एक साथ उनके ही बाजू में आ गिरे। मैंने जब उस पत्थर की तरफ देखा, तब देखने में आया था कि दूर एक लाल फ्रेजर टोपी और साथ ही एक काला टी शर्ट पहना हुआ आदमी, जिसका बहुत दाढ़ी है, दौड़ के रेसिडेंसी के बाहर चला गया। इसके पहले कि फेलुदा उसका पीछा लेता, उसके पहले ही वो गेट से बाहर और फिर भीड़ में गायब हो गया। मैं तब भी उनका पीछा लेता, लेकिन पीछे से
वन बिहारी बाबू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा, तुम अभी भी स्कूल बॉय हो तोपेश, तुम्हें इन सब झमेले में पड़ने का कोई जरूरत नहीं है। फेलुदा उसके तरफ ही चला गया था। जब वो लौट कर आए तब वन बिहारी बाबू ने पूछा, पकड़ पाए उसको? नहीं, काफी दूर तक था। बाहर जाके देखा कि एक काला स्टैंडर्ड गाड़ी में चढ़कर उधर से भाग गया। वन बिहारी बाबू ने धीमी आवाज से कहा, स्काउंड्रल। फिर हमारे दोनों के पीठ में हाथ रखकर उन्होंने कहा, चलो इधर ठहरना और अच्छा नहीं होगा। थोड़ा आगे जाकर ही बाबा और धीरू काका के साथ हमारी मुलाकात हो गई। पिताजी ने कहा, फेलू तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है? फिर वन बिहारी बाबू ने उनको सब समझा कर कहा, फेलू अगर यहाँ आकर तहकीकात ना करे तो ही अच्छा होगा, लगता है उसके पीछे गुंडे लगे पड़े होंगे, या फिर क्या कह सकते हैं, आते वक्त उन बच्चों को मैंने डांटा था, शायद से वो ही मेरे पीछे लगे होंगे, बदला लिए होंगे कि हमने उनको डांटा। पूरी कहानी सुनकर पिताजी और धीरू काका दोनों बहुत ही घबरा गए थे। वन बिहारी बाबू ने कहा, अभी इधर कुछ दिन के लिए तुम लोग घूमने आए हो और ऐसे कोई मामले में तुम लोग फंस जाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। फेलू मेरा बात सुनो, आने वाले दिन शायद से तुम्हारे लिए मुश्किल हो, लेकिन मैं हर तरीके का कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की। बस एक बात कहता हूं, कान खुल के सुन लो, अगर कुछ दिन ये सब ना कर कर ही अपने पिताजी और अपने भांजे को तफलीक ना दिए तो ही अच्छा है, और अगर करते भी हो तो अपनी अगली चाल थोड़ा सोच समझ के चलो। तो दोस्तों, इतने देर तक आप सुन रहे थे सत्यजीत राय की लिखी गई कहानी बादशाही अंगूठी पार्ट 5। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले ही दिन लेकर आने वाले हैं अगला पार्ट, और ऐसे ही हमारे किस्से चलते रहेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून्ड।